हेलो यार्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी वीडियो सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 271 टू 280 डिस्कस हो जाएंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओशियनोग्राफी। तो ओशियनोग्राफी का ये फर्स्ट क्विज रहेगा, ठीक है, क्योंकि ओशियनोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट के लिए, और उसके अलावा जो पीजी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ओशियनोग्राफी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वन लाइनर की फॉर्म में, ये हमारी जो प्रीवियस क्विज रहती है उसका एक्सप्लेनेशन भी रहता है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रीवियस क्विज था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पूछा गया था कि आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम में जो टेट्राहेड्रॉन फॉर्म है उसमें फोर फेसेस होते हैं और हर फेस जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फेसेस और फेस की जो शेप है उसके बेस पे फॉर्म को नाम दिया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात की जा रही थी कि एक फंडामेंटल फॉर्म होती है, और फंडामेंटल फॉर्म उसको बोलते हैं जो कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को यूनिट लेंथ पे जब फेस कट करते हैं, ठीक है, तो उसको फंडामेंटल फॉर्म या यूनिट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, फंडामेंटल फॉर्म या यूनिट फॉर्म। आगे फिर जो बात की जा रही है, एक क्रिस्टल सिस्टम जिसमें कि एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, तो उन सभी क्रिस्टल सिस्टम को हम ऑर्थोगोनल क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात की जा रही है जो 48 फॉर्म हम यूजुअली देखते हैं क्रिस्टलोग्राफी में, तो उसमें आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम की होती है 15 फॉर्म, ठीक है। आगे बात की जा रही है आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में कि आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम की जो फॉर्म्स हैं वो सभी फॉर्म जो है क्लोज फॉर्म आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्लोज फॉर्म और ओपन फॉर्म में जो आइसोमेट्रिक की फॉर्म है वो आपको क्लोज फॉर्म देखने को मिलती है, ठीक है। तो और इसमें फॉर्म होती है 15, तो टोटल जो क्लोज फॉर्म है वो 18 होती है, जिसमें से 15 आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम की होती है, ठीक है। आगे ये बात की जा रही है कि जो आइस है वो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एक पर्टिकुलर एग्जांपल पूछ लिया जाता है, जैसे क्वार्ज का पूछ लिया जा सकता है या आइस का पूछ रखा है, यहाँ पे कैल्साइट का पूछा जा सकता है, तो उस तरीके से भी आपको ध्यान करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है उसमें कितनी सिमेट्री क्लासेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। और जो क्रिस्टल क्लासेस हैं वो डिपेंड करती है सिमेट्री एलिमेंट के बेस पे, ठीक है। तो 1 और 1 बार, ठीक है, दो सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, उसके बेस पे दो सिमेट्री क्लास जो है आप इसमें देख पाएंगे। हरमन मुगियन सिंबल जब हमने डिस्कस किया था तो कंप्लीट हर क्रिस्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कितनी क्लास आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि जो आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम है उसमें आपको कितनी क्लासेस देखने को मिलती है, ठीक है। आगे एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात की जा रही है, डीविट्रिफिकेशन उसको बोलते हैं जब ग्लासी मैटर जो है क्रिस्टलाइन मैटर में चेंज होता है, ठीक है। तो विट्रिफिकेशन जो है एक प्रकार से आप ग्लासी कह सकते हैं उसका, अगर हम लेटिन मीनिंग देखें, ठीक है। और यहाँ पे डीविट्रिफिकेशन की बात की जा रही है, तो क्रिस्टलाइन मैटर जो है वो बन रहा है ग्लासी मटेरियल से, ठीक है। जो नॉर्मल क्लास है आइसोमेट्रिक सिस्टम की उसको हेक्सा ऑक्टाहेड्रन कहा जाता है, ठीक है। और नॉर्मल क्लास उसको बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हेक्सा ऑक्टाहेड्रन। आगे जो क्वेश्चन था उसमें एंगल की बात की जा रही है कि जो ए एक्सिस और सी एक्सिस के बीच में एंगल होता है उसको हम बोलते हैं बीटा एंगल, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा, तीन एंगल जो होते हैं, ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं। जैसे अगर आप इस तरीके से देखेंगे ए बी और सी एक्सिस के बीच में अगर आप देखेंगे तो ए और बी एक्सिस के बीच में हो जाएगा गामा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोनाउंसिएशन एक्सिस वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बी और सी के बीच में हो जाएगा अल्फा, और जो बच गया ए और सी के बीच में हो जाएगा बीटा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम एक क्विज देखते हैं फिल इन द बैलेंस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओशिनोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। ओशिनोग्राफी में फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कंपेरेटिव स्टडी है एलिवेशन ऑफ लैंड एंड डेप्थ ऑफ सी फ्लोर उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। नेक्स्ट ये पूछा गया है कि जो बाउंड्री है अटलांटिक और इंडियन ओशियन के बीच में वो कितने डिग्री के मेरिडियन से डिवाइड होती है, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू आपको बतानी है मेरिडियन की, या आप इसको लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आपको बतानी है जो अटलांटिक और इंडियन ओशियन के बीच में डिवाइडर है। आगे ओशियन और सी जो कवर करते हैं अर्थ सरफेस का कितना एरिया कवर करते हैं, ठीक है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है।
ठीक है, ये आपको स्क्वायर किलोमीटर में एरिया बताना है, ठीक है, परसेंटेज में बताना है, स्क्वायर किलोमीटर में एरिया बताना कितना कवर करते हैं। आगे पूछा गया है कि जो इंडियन ओशियन है उसकी एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, ये लैट लोंग की फॉर्म में आपको बताना है कि लैटिट्यूड जो इसका लैटिट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, और जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, क्योंकि ये साउथ पोल से और नॉर्थ में जो लाई करता है इक्वेटर से नॉर्थ साइड तक, तो आपको ये इसका लैटिट्यूड भी बताना है, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन बताना है इंडियन ओशियन का। आगे बात की जा रही है कि जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ओशनिक बेसिन का वो लगभग कितने टाइम्स होता है वर्टिकल डायमेंशन अगर हम देखें, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का मतलब इस तरीके से जो उसकी लेंथ होगी और वर्टिकल जो उसकी डेप्थ होगी उसके कंपेरिजन में बताना कितना डिफरेंस रहता है एज यूजल, ठीक है। आगे पूछा गया है कि जो इंडियन ओशियन है उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है, ये सभी का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने इंडियन ओशियन का एग्जांपल आपको दिया है, तो ये आपको बताना है कि कितनी वैल्यू यहाँ पे आएगी इंडियन ओशियन का अगर हम सरफेस एरिया देखें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें ये पूछा गया है कि जो कॉन्टिनेंट्स है उनका मीन एलिवेशन कितना है और जो ओशियन है उनकी मीन डेप्थ कितनी है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको बताना है दोनों वैल्यू क्या आएंगी। आगे ये पूछा गया है कि जो इक्विटोरियल बल्ज आपको देखने को मिलता है अर्थ की शेप में, ठीक है, क्योंकि अर्थ की शेप अगर आप देखें तो थोड़ा सा इस तरीके से रहता है, तो ये इक्वेटोरियल जो इसकी रेडियस है वो बड़ी है जो उसकी पोलर रेडियस है उससे उसके कंपेरिजन में, ठीक है, तो ये जो बल्ज है वो अर्थ की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण है वो आपको यहाँ पर बताना है। आगे बोला गया है कि जो 1 डिग्री लैटिट्यूड हम जब चेंज करते हैं, 1 डिग्री जब डिफरेंस होता है तो डिस्टेंस कितने किलोमीटर का डिफरेंस उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे एक ओशनिक फीचर के बारे में पूछा गया है कि जो आइसोलेटेड एलिवेटेड एरियाज होते हैं या एलिवेटेड फीचर जो होते हैं, स्मॉल समिट जिसकी देखने को मिलेगी और अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर वो सी फ्लोर से आपको देखने को मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उस फीचर का नाम आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना उसके बाद आंसर करना है, और नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, आपको आंसर्स को मैच करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके चलना है, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको इसका काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर इंप्रूव होगा तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहती है, तो इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। अब आंसर्स देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा हाइप्सोग्राफी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हाइप्सोग्राफी, सीएसआर नेट के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट टर्म भी है हाइप्सोग्राफी, ठीक है, तो इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। आगे जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री ईस्ट, ठीक है, नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा 361 250, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके ज़्यादा वैल्यू को इस तरीके से रख सकते हैं, याद रख सकते हैं 360 250 और 000, ठीक है। नेक्स्ट जो है वहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 डिग्री जो हमने पीछे देखा था, उससे फिर इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी 147 ईस्ट, और अगर हम लैटिट्यूड के टर्म में देखें तो ये हो जाएगा 27 डिग्री, ओके। आगे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के बारे में जो हम बात कर रहे थे उनका डिफरेंस होता है 1000 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा 74.12 × 10^6, ठीक है, ये सरफेस एरिया ऑफ इंडियन ओशियन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा जो मीन एलिवेशन है वो लगभग 1100 मीटर रहता है और मीन डेप्थ जो है वो 3400 मीटर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो बल्ज बनता है वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से बनता है, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 111, और लास्ट का आंसर हो जाएगा सी माउंट्स, ठीक है। आपको अब अपने आंसर मैच करने और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है, ठीक है। और इस तरीके से एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने बताई थी कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी आंसर शीट को 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना आंसर लिखना है और यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो लिखना है, और यहाँ पे फिर आपको कंसेप्ट लिखना है कि किस कंसेप्ट के बेस पे वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस तरीके से आपके पास काफ़ी टॉपिक्स आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलना है, ठीक है। और नए व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका मेन फोकस है जियो साइंस के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना, कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की हेल्प करना और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोज में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हमने वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
यूट्यूब के अलावा जिसका फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल है, इन सब के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और ब्लॉग पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी के नाम से जो ब्लॉग है। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जेपी बनवाला के नाम से फेसबुक पे मेरी आईडी, और फेसबुक के अलावा टेलीग्राम लिंक और ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ, ये सारे लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। जय हिंद।